हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेमा श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 11। तो चलिए क्लास थर्ड हम लोग आज चैप्टर 11 रीड करते हैं। चैप्टर 11 के बारे में क्या क्या है ये जानते हैं, जिसका नाम है डाकघर। चैप्टर 11 जिसका नाम है डाकघर। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई पोएम नहीं है, ये डाकघर के बारे में बताएगा। अर्थात हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि पहले के समय में चिट्ठी या खत कैसे आता जाता था। कैसे? पहले तो फ़ोन नहीं था, तो हम अपने संदेश को पत्र के माध्यम से कैसे भेजते थे। तो प्रतीक नाम का एक लड़का है जो कि विद्यालय से अभी अभी लौटा है। वह लौटा ही था कि तब तक दरवाजे की घंटी बजी। प्रतीक ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने डाकिया खड़ा है। डाकिया ने प्रतीक को एक पत्र दिया। शाम को जब प्रतीक के पिताजी घर आए तो प्रतीक ने वो पत्र अपने पिताजी को दिया। पिताजी ने पत्र को फाड़ा और उसमें लिखे हुए संदेश को पढ़ा। तो पत्र चाचा जी का था और उसमें लिखा था कि अगले सप्ताह वे घर आने वाले हैं। प्रतीक ने पूछा, पिताजी, चाचा जी तो शिमला में रहते हैं, फिर उनका पत्र यहाँ कैसे आ गया? पिताजी प्रतीक को समझाते हुए कहा कि यदि हमें अपना संदेश दूसरे शहर में रहने वाले किसी के पास, अपने परिचित, अपने रिश्तेदार के पास भेजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? डाकघर से हम पोस्ट कार्ड लाएंगे या लिफाफा लाएंगे, फिर उसमें हमें जो संदेश देना है वो लिखेंगे और लिखकर फिर हम उस पर टिकट लगाएंगे और ले जाकर डाकघर, नज़दीक के डाकघर, पास के डाकघर में डाल देंगे। वहाँ का कर्मचारी उस पत्र को लेगा, फिर उस पत्र को शहर ले जाएगा। शहर से वो पत्र, जैसे यदि दिल्ली का पत्र है तो दिल्ली के रेलगाड़ी या बस से जाएगा, मुंबई का है तो मुंबई जाएगा। इसी तरह अन्य शहर का पत्र अन्य शहर में चलने वाली बसों और रेलगाड़ी से जाता है। और वहाँ जब पत्र पहुँचता है तो वहाँ के डाकघर का कर्मचारी क्या करता है, उन पत्रों को छांटता है। जैसे दिल्ली के शहर का, वहाँ के कस्बों, वहाँ के शहरों के हिसाब से पत्र को अलग अलग कर देता है। यदि पत्र घंटाघर का है तो घंटाघर का डाकिया उस पत्र को ले जाएगा। यदि पत्र गांधीनगर का है तो गांधीघर का डाकिया उस पत्र को अपने झोले में रखेगा और ले जाएगा। और इस तरह वह पत्र जिसके पास भेजा जाता है वहाँ पहुँच जाता है। यही माध्यम होता है पत्रों को भेजने का। प्रतीक बहुत खुश होता है, फिर कहता है, पिताजी, क्या आप पत्र जैसे भेजा जाता है वैसे ही दादी को पैसे भी भेजते हैं? पिताजी ने समझाया, हाँ बेटा, डाकघर पत्र भेजने के अलावा तार, पार्सल, मनी आर्डर आदि भी करता है। हल्की चीज़ों का पार्सल किया जाता है, जैसे किताब हो या कोई और छोटी वस्तु हो, उसका पार्सल भी डाकघर द्वारा किया जाता है। तो डाकघर क्या क्या काम करता है? पत्र भेजता है, तार भेजता है, मनी आर्डर करता है और पार्सल भेजता है। प्रतीक बहुत खुश होता है। फिर उसके पिताजी कहते हैं, अब प्रतीक तुम एक काम करो, अपने चाचा जी को पत्र लिखो और टिकट लगाना उस पर नहीं भूलना और पता वहाँ का साफ साफ शब्दों में लिखना, नहीं तो तुम्हारा पत्र चाचा जी के पास नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह प्रतीक खुश होकर चाचा जी को पत्र लिखने बैठ जाता है। तो हमने जाना कि पहले के समय में जब हर चीज़ें पत्र से भेजी जाती थी या मनी ऑर्डर किया जाता था या पार्सल किया जाता, यानी डाकघर का उपयोग किया जाता था, तो कैसे ये कार्य होता था। इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।